साप्ताहिक बाजार व दैनिक बाजार शुरू करने की मांग को लेकर सब्जी उत्पादकों ने बल्लारपुर तहसील कार्यालय के सामने सब्जियां फेंक कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कोरोना काल में पिछले साल से बाजार और साप्ताहिक बाजार बंद है, जिससे सब्जी उत्पादकों को काफी परेशानी हो रही है। उचित मूल्य गारंटी और साप्ताहिक व दैनिक बाजार बंद होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार ने बड़े मॉल, शराब की दुकानों और अन्य कारोबारों को खोलने की इजाजत दे दी है, वहीं साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार अभी भी बंद है। सरकार और प्रशासन की इस दो तरफा नीति के चलते किसानों के सामने ये बड़ा सवाल रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचे। किसानों के फसल को भाव नहीं मिलते हुए कोरोना के काल में किसान बेहाल और खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है, लेकिन कोरोना काल ख़त्म होते हुए महाराष्ट्र की सरकार, चंद्रपुर जिले की सरकार मॉल, थिएटर, दारू के दुकान शुरू कर रही है, लेकिन किसान जिस फसल को उगाई करता है, जो सामान्य लोग, सबसे बड़े भी लोग जो फसल खा के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ऐसे किसानों के फसल को बाज़ार में भाव नहीं मिलने की वजह से किसान बेहाल है। और आज किसान ने अपने फसल को तहसील कचहरी के सामने फेंक कर आक्रोश व्यक्त किया है। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, चंद्रपुर जिले के कांग्रेस भाजपा के आजी माजी पालक मंत्री, उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों के साथ रहने का काम किया, लेकिन सामान्य किसानों का अभी तक सोचे नहीं। जो कि सप्ताह का बाजार और दैनिक बाजार खुला न होने की वजह से किसान जो फसल उगा रहा है उसे भाव नहीं मिलने की वजह से किसानों में असंतोष है। अगर आप एक सप्ताह के अंदर किसानों के लिए मंडियां, सप्ताह का बाजार खुला नहीं किया तो वंचित बहुजन आघाड़ी 15 चंद्रपुर जिले के हर तहसील कचहरी पे आक्रोश निदर्शने मोर्चा करके सरकार का, कांग्रेस बीजेपी सरकार का विरोध करेगी।